आज का वीडियो टॉपिक थोड़ा अल्टरनेट है, ये कोई टॉपिक नहीं है लेकिन स्पेशल है। वहाँ पे हम यूज करते हैं नाउन और उसके बाद हु या फिर होम या फिर विच या फिर दैट, इनका प्रयोग करके हम बनाते हैं। यानी ये आगे का टॉपिक है, कभी आपको बताएंगे क्लॉज के बारे में। वहाँ पे यूज ऐसे ही हम बनाते हैं, ये अलग तरह के, ये दो दो क्लॉजेज, प्रिंसिपल और नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, सॉरी फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्लॉज का मिक्सचर है। और ये पूरा एक सेंटेंस बनता है, जैसे कि मेरा एक नज़दीकी दोस्त है जो अमेरिका में रहता है। आई हैव ए क्लोज फ्रेंड, आई हैव ए क्लोज फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका, हु लिव्स इन अमेरिका। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास कार हो? डू यू हैव एनी फ्रेंड्स हु हैव ए कार, हु हैव ए कार। क्या तुम्हारे ऐसे कोई दोस्त हैं जिनके पास कार हो? जिस आदमी का इरादा मजबूत हो वह कुछ भी कर सकता है। द मैन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हु हैज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैन डू एनी थिंग। जिस पदार्थ से, यानी कि अब भाई हम इसके कुछ यहाँ पे हम जैसे कई सारे परिभाषाएं हैं जिसका हम बनाते हैं और लिखते हैं, तो अगर उन्हें इंग्लिश में लिखना हो तो फिर कैसे लिखते हैं? जैसे जिस पदार्थ से बिजली की धारा प्रवाहित होती है उसे हम सुचालक कहते हैं। अ सब्सटेंस विच अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड कंडक्टर। एक और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। उम्मीद है आपको इसे समझ में आया हो। याद रहे आपको कि नाउन और उसके बाद हम हुज हुम विच दैट या फिर हुज का प्रयोग करते हैं। आई हैव ए क्लोज फ्रेंड नाउन है, हु का प्रयोग किए हैं, फ्रेंड्स हु का प्रयोग किए हैं, मैन हु का प्रयोग हुआ है, सब्सटेंस विच का प्रयोग हुआ है, ट्रायंगल हुज का प्रयोग हुआ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।